नहीं आप किस लिए आए थे सर? हम सिल्वर ओक एस्टेट की तरफ से साइमन टफल को हमने आज फेलिसिटेट किया है। बेसिकली हम लोग हर साल गरीब बच्चों के लिए एक एनुअल क्रिकेट टूर्नामेंट करते हैं सिल्वर ओक एस्टेट क्रिकेट कमेटी की तरफ से। उसी के लिए साइमन टफल आज इंडिया में आए हुए हैं हमारे चीफ गेस्ट बनकर। आज हमने उनको प्रेस क्लब में फेलिसिटेट किया है और उनको धन्यवाद बताया है कि वो हमारे लिए आए इतनी दूर और हमारे साथ वो जुड़े हैं प्रोग्राम में। क्या उनका फंक्शन क्या होगा इसमें? उनका फंक्शन यही है कि जितने भी बच्चे हैं और जो यंग स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं या फिर जो हमारी टीम में पार्टिसिपेट किए हैं वो साइमन से कुछ जानकारी ले पाएंगे, उनको कुछ नॉलेज मिलेगा, उनको ज्ञान मिलेगा और साइमन से बेहतर कोई नहीं उनको क्रिकेटिंग लैंग्वेज के बारे में बता सकता है। तो ये सही समय था कि यदि हम साइमन के साथ उनको मिलाएं और साइमन उनको कुछ अच्छे टिप्स दें आने वाले ज़िंदगी के लिए। ये कहाँ पर होगा मैच? मैच हमारा 2 दिन का शनिवार और रविवार को हुआ है राजरहाट में, सिल्वर ओक एस्टेट कॉम्प्लेक्स में हुआ है और हमारा कल ये ख़त्म हुआ है। आज हमने इनको प्रेस क्लब में इसलिए फेलिसिटेट किया है। तो ये रहेंगे और ना चले जाएंगे? नहीं, ये आज शायद निकल जाएंगे शाम को, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, पर वो हमारे लिए आए थे, ये हमें बहुत अच्छा लगा। ये सिर्फ ये 2 मैच के लिए आए थे? हाँ जी। और भी आगे कुछ इनसे काम लेंगे? नहीं, हमें साइमन के साथ, साइमन जैसे इन लोगों के साथ मिलकर हमेशा अच्छा लगता है और हम तो यही चाहेंगे कि वो यहीं रहें और उनको इनके लिए हमारी तरफ से बेस्ट विशेस है। Hi Simon, what's your take on about ball tempering? Is it really difficult for ball tempering? Well, yeah. So how is difficult for the on-field umpires to detect those things with the advance of the technology? Well, again, you just keep it simple. You know, so the umpires, again, remember I talked about being proactive, and so that's why you see a lot of umpires these days.